नमस्कार, मैजिक रसोई में आपका स्वागत है। बहुत ही टेस्टी सी सब्जी और साथ ही में ये सब्जी टेस्टी तो होगी ही और बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी ये सब्जी करेगी, जैसे कि रेशा, जुकाम, सर्दी के लिए ये बहुत ही बढ़िया रामबाण है सब्जी। इस सब्जी को खाने से आपको सर्दी जुकाम बिल्कुल भी नहीं होगा। ये सब्जी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जैसे कि आजकल ये बीमारी चल रही है उसकी रोकथाम के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद सब्जी है। आपके शरीर को बहुत सारी बीमारियों से बचाएगी ये, और साथ ही में बहुत टेस्टी, बहुत ही बढ़िया सी सब्जी है। ये सब्जी हम बना रहे हैं अदरक और लहसुन से, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। चलिए देख लेते हैं इसको बनाने के लिए हमने क्या क्या लिया है। ये हमने सब्जी को बनाने के लिए लहसुन छील कर ले लिया है। हमारे पास ये लहसुन है, ये 10-15 कलियाँ होंगी। उसी हिसाब से हमने ये अदरक भी उतनी मात्रा में ले लिया है। एक हरी मिर्च काट कर ली है और 3 टमाटर को ऐसे काट कर मोटा मोटा ले लिया है। थोड़ा सा हमने हरा धनिया लिया है। चलिए अब हम जल्दी से चलते हैं सब्जी बनाने की ओर। सबसे पहले हम लहसुन और अदरक हरी मिर्च को पीस कर तैयार करेंगे। इसका पेस्ट बनाना है। सबसे पहले अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाने के लिए हमने मिक्सी का जग ले लिया है। इसके अंदर हम ये लहसुन डाल देंगे और अदरक और हरी मिर्ची भी डाल देंगे। अच्छे से पीस कर इसका हम पेस्ट बनाएंगे। अगर आप ऐसे ही इसका पेस्ट बना सकते हैं तो ऐसे भी बना लीजिए, नहीं तो आप इसके अंदर 2 चम्मच के करीब पानी डालकर इसका पेस्ट बना लीजिए। मैं इसके अंदर 2 चम्मच पानी डालकर इसका पेस्ट बनाऊंगी। देखिए हमने इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट इस तरीके का बनाया है। ज़्यादा इसको हमें नहीं महीम करना, ऐसे थोड़ा सा दरदरा सा ही रखा है। चलिए अब हम गैस की ओर चलते हैं। गैस ऑन करके हमने एक कढ़ाई रखी है, उसके अंदर हम 2-3 चम्मच तेल डालेंगे क्योंकि हमें लहसुन और अदरक को भूनना है। तेल को हमने कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। तेल के गर्म होते ही हम इसके अंदर 1 चम्मच के करीब जीरा डाल देंगे। जीरा को हल्का सा पकने देंगे। जीरा हमारा पक चुका है। अब हम इसके अंदर अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे। सारा पेस्ट हम इसके अंदर अच्छे से डाल देंगे। चम्मच की मदद से हमने सारा पेस्ट जग में से निकाल लिया है और कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। अच्छे से भुनेंगे। मीडियम आंच पर हम इस पेस्ट को अच्छे से चलाते हुए लगातार बढ़िया से भुनेंगे। जब हम अदरक और लहसुन को भूनते हैं बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आती है। देखिए बहुत ही टेस्टी सी सब्जी बनती है। हमने इसको लगातार चलाते हुए ऐसे ही जब तक ये बढ़िया से भुन ना जाए तब तक हमें इसको भुनना है। 3-4 मिनट तक हमने अच्छे से लहसुन और अदरक को भून लिया है। हमारा मसाला जो है अच्छा भुनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर सूखे मसाले डालेंगे, जैसे कि हम इसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। 1/3 चम्मच हमने इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है। इससे कलर भी सब्जी का बहुत बढ़िया आएगा क्योंकि हमने हरी मिर्च इसके अंदर पहले ही डाली है। तीखा अपने टेस्ट के अनुसार डालिए क्योंकि ये दोनों चीज़ें अच्छी तीखी होती हैं। इसमें मिर्ची ज़्यादा नहीं डलती, इसमें तीखा कम ही डालना है क्योंकि ये हरी मिर्च जो हमने डाली है वो ज़्यादा तीखी नहीं थी, इसीलिए हमने हरी मिर्च डाली है। तो जो कश्मीरी लाल मिर्च है वो भी बिल्कुल तीखी नहीं होती, उसका कलर ही होता है। 1/2 चम्मच हम हल्दी डालेंगे, 1/2 चम्मच गरम मसाला। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाते हुए भुनेंगे। फिर से 1 मिनट के लिए हम चलाते हुए मसालों को डालने के बाद हमने अच्छे से चलाते हुए 1 मिनट के लिए भून लिया है। अब ये हमारा मसाला है जो अच्छा भुनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर कटे हुए टमाटर डाल देंगे और इसको भी हम लगातार चलाते हुए बढ़िया से मिक्स करते हुए जब तक कि ये टमाटर अच्छे मैश ना हो जाए तब तक हमें टमाटरों को भी भुनना है। 2 मिनट के लिए हमने टमाटरों को भी अच्छे से मैश करते हुए भुन लिया है। टमाटर बढ़िया से सॉफ्ट होकर मिक्स हो चुके हैं मसाले के साथ। बिल्कुल बढ़िया से टमाटर हमारे अच्छे से पक्का तैयार है। अब हम इसके अंदर टमाटर प्यूरी डालेंगे। इससे हमारी सब्ज़ी ज़्यादा तीखी नहीं लगेगी, जो इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है उससे बहुत ज़्यादा तीखा होता है, वो हमें बिल्कुल भी इससे नहीं लगेगा। आप टमाटर प्यूरी डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसमें दही को फेंट कर डालिए, उससे भी हमारी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। हमने इसीलिए इसके अंदर टमाटर प्यूरी डाली है ताकि हमारी सब्ज़ी हमें ज़्यादा तीखी ना लगे। अगर आपके पास टमाटर प्यूरी नहीं है तो आप टमाटरों को भुनने के बाद आप इसके अंदर दही को फेंट कर डाल दीजिए, उससे भी हमारी सब्ज़ी बहुत बढ़िया और टेस्टी बनेगी। अच्छे से हमने टमाटर प्यूरी को भी सारी चीज़ों के साथ मिला लिया है। इसको डालने के बाद अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे। हमें जितने भी
ग्रेवी पतली या गाढ़ी करनी है उसी हिसाब से आप इसके अंदर पानी डाल दीजिए। हमने इसके अंदर पानी डाल दिया है क्योंकि हमें इसको एक दो मिनट ऐसे ही फिर से हमें इसको पकाना है। हमने इसके अंदर पानी अच्छे से डाल दिया, जितना भी हमें ज़रूरत है उसी हिसाब से हमने इसके अंदर पानी डाल दिया है। दो मिनट तक हम सब्जी को फिर से अच्छे से पका लेंगे और जब तक कि ये बढ़िया से फिर से गाढ़ी ना हो जाए, जितनी भी गाढ़ी रखनी है उसी हिसाब से। हमारी सब्जी बनकर तैयार है, बिल्कुल बढ़िया से गाढ़ी भी हो चुकी है। हमने दो मिनट तक इसको अच्छे से उबाल लिया है, देख सकते हैं हमारी सब्जी इस तरीके की बनकर तैयार है। अब हम इसके अंदर कुछ कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया डालने के बाद हमने अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसको सर्व करते हैं एक बॉल के अंदर। देखिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी सब्जी बनकर तैयार है। साथ ही में ये सब्जी आपको बहुत सारी बीमारियों से भी बचाएगी। इसको खाना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये सब्जी आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, चपाती या चावल के साथ भी खाइए, बहुत ही बढ़िया टेस्टी लगती है। अगर जो आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। साथ ही में मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए आपको जो मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अपनी एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।